टीचर फ्रेंडली नेचर का भी होना चाहिए। तुम्हारे से फ्रेंड, जब तुम कहते हो टीचर फ्रेंडली हो, उसका मतलब क्या होता है? तुम्हारा फ्रेंडली क्या है तुम्हारी जनरेशन का, ये जानना चाहती हूँ। नहीं मैं सीरियस ही जानना चाहती हूँ, मुझे जैसे पता नहीं। आपकी मैम तो जैसे एग्जाम्पल है आपका। अच्छा, ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत समझ गया मैं बेटा, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैम, नहीं मेरे को सच्ची समझ नहीं आता फ्रेंडली का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ना सबका अपना डेफिनेशन होता है ना, जैसे कि कोना टीचर है टीचर वो के वहां साथ मोए मोए कर पूछना चाहिए। मैम, टीचर को तुम्हारे मोए मोए करना चाहिए, मैंने चपेट लगा देनी है। मोए मोए चाहिए मोए मोए करना चाहिए, मोए बेड़ा घर को है। कहीं टीचर पंजाबी हो ना, कह रहा मोए मोए मेरा घर को थोड़ा। अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए टीचर। चलो इसका जवाब, मेरे को लगता है मेरे को ना लड़के ज्यादा एकदम पॉइंट पे आंसर देंगे, फ्रेंडली का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं मैम हम। हाँ प्रीति, मैम फ्रेंड का मतलब हमारे ना टीचर है एक, तो वो ना अगर मतलब उनका मूड ना हो पढ़ाने का, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आज चलो मूड नहीं है तो आज बातें कर लेते हैं आपसे, फिर वो हमारे साथ बातें करने शुरू कर देते हैं। फिर जिस दिन हमारा मूड नहीं होता, फिर अगर उनको बोले कि सर आज मूड नहीं है, तो वो बोले कि चलो रहने दो आप, ऐसे वाले फ्रेंडली टीचर होते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, जैसे मान लो कोई आपका, जैसे पूरा हम अभी साथ में कर रहे हैं, तो तुम मुझे बोल सकते हो कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो दैट मेक सेंस, क्योंकि मैं आगे जाके सिलेबस कवर करा लूंगी। पर हाँ, जो अभी कुछ टाइम के लिए मिला उस टीचर के साथ तो फिजिबल नहीं है। पर यस, अगर लॉन्ग रन में पढ़ रहे हैं, जैसे तुम मुझे बोलो आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। मत पढ़, बागियों को पढ़ा दूंगी। तो हाँ लॉन्ग रन में तो ये फिजिबल है, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने का मन नहीं है, हाँ तो फिर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम क्या कर लोगे। गुड, आई गॉट योर पॉइंट। चलो भाई आओ, चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो छोटू सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझनी तुम्हें इसमें, लेकिन इससे नंबर आते हैं बढ़िया वाले, मतलब इससे हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे छोटा चैप्टर लगता है मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं मुझे ऐसा लगता है। कार्डियक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर कंपेरेटिवली मैं एफर्ट देखू ना, इसमें बहुत कम एफर्ट लगते हैं, तो उस कंपेरिजन में चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी करके जल्दी से खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने बैठो वो भी जल्दी से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम पढ़ेंगे आज, हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि हमको अपनी बॉडी के बारे में कितना पता है, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी हम इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि बॉडी बॉडी को किस सेंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 जैसे ही हम हॉर्मोन तक पहुंचेंगे, तब तक आपको सिर से लेकर पैर तक सबको समझ आ जाएगा, क्योंकि डाइजेशन को छोड़ के बाकी सब है हमें अब सिलेबस में, राइट। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर करना है और एनसीईआरटी को साथ साथ रीड करना है। छोटे चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे एनसीईआरटी, अगर हम पूरी लाइन वाइज नहीं, देखो 1 घंटे की क्लास है, लगातार तो नहीं पढ़ा सकती मैं, 45 मिनट ही पढ़ाया जाता है, बीच में बात भी करनी होती है, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। तो 45 मिनट्स में हम पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं तुमको अंडरलाइन करा सकती हूँ, ताकि तुम्हें पढ़ते हुए पता हो कि ध्यान कहाँ देना है, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि 2 वीक्स का प्लान ना, तो आज क्या डेट है, इमीडिएट बड़े ये तो बड़ी ही पागल वाली बात थी मेरी, कि मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ जो मेरे पास कैलेंडर है, बताओ। टेक्नोलॉजी का इंतजाम इस्तेमाल करेंगे, अब यार इस पर कुछ लिखा ना हो तो तुमको दिख रहा है। कहाँ यस मैम चला गया यार ये, मुझे छोड़ के कहाँ गया। कुछ कुछ चीजें अपने आप खुल रही है, लास्ट कोशिश है, खुला तो ठीक है, नहीं तो मैं हाथ से लिखवा दूंगी। लगता मैं कभी चलाती नहीं कैलेंडर, लेट्स सी। अरे नहीं चाहिए यार, जो भी तुम बेच रहे हो। ओके सबको दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। तो आज का डेट हमारी 18 18 18 18 ठीक है। तो इस वीक का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें, इसके पूरे क्वेश्चंस लगाए, जैसे क्योंकि हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, तो जैसे ही ये हमारा खत्म होगा मोस्ट प्रोबेबली,
ऑन सैटरडे तो हम लोग अपना टेस्ट पेपर डिस्कशन ही करते हैं, तो हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा मेजर टेस्ट डिस्कशन अभी रहता है, राइट। इनकेस अगर हमारे पास 2 दिन बच गए, देन विल स्टार्ट विद रिविजन, ठीक है। तो हम रिवाइज करेंगे हमारा 5 कंडम क्लासिफिकेशन। अब आ रहा है आपका नेक्स्ट वीक, आपको दिख रहा है ये 25 से लेकर 30 तक, राइट, ये वाला वीक जो है आपका लास्ट दिसंबर का। Yes, तो इस वाले वीक के अंदर द थिंग इज कि आपकी बायो की क्लास नहीं होगी मेरे साथ, ठीक है। सो हमारा दूसरी जगह एक कैंप है, तो आपकी क्लासेस एक हफ्ते के लिए डिसमिस होगी क्योंकि काफी बच्चों का प्री बोर्ड भी था और काफी बच्चे ऑटो स्टेशन भी जाते हैं, और क्योंकि दिसंबर का लास्ट वीक है उसके बाद नया साल होता है, तो एक वेकेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे आपको स्कूल में पढ़ते हैं उसी तरीके से वंती भी आपको एक वीक की वेकेशन देता है, ठीक है। तो आप लोगों की वेकेशन होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली होनी जो चाहिए, तो मेरी क्लास तो नहीं होगी, ये मुझे कंफर्म है, ठीक है। तो आपको 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितने दिन हो गए, ये 6 डेज, ठीक है। मैं संडे कैलकुलेट नहीं कर रही, संडे का आपका अपना हो सकता है, तो 6 डेज हो गया आपके पास। 6 डेज में आई विल गिव यू अ चैप्टर नेम एज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम सुना है सबने? 11 की एनसीईआरटी खोले, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड कर लिया हमने साथ में। यो मैम, करो उसको फिर। दूसरे चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल कर लिया हमने। यो मैम, टिक करो। तीसरे चैप्टर का नाम प्लांट किंगडम, ये रहता है। चौथे चैप्टर का नाम एनिमल, उसको टिक करो, कर लिया ना। यो मैम, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म का पार्ट जो है वो आप अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हो, तो तुम इस चैप्टर में क्यों पढ़ोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारे कितने टॉपिक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, 4 टॉपिक है तुम्हारे, जिसमें एल्गी बहुत बड़ा है, ठीक है। एल्गी ब्रायोफाइट टाइम लेता है, तो अगर मैं लगा लूं 25 को एल्गी, 26 को ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो आपका 25 से लेकर लेट्स से 29 तक एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो पिछले साल की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नहीं तो अगर आपको यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ना है या जिससे तुमको सूट करता है उससे पढ़ो, मैं बोला ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगी डेली की। हर रोज बायो की क्लास के टाइम पे ही 1 घंटा आप वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखोगे, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में करके, राइट, तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे लेक्चर्स, ठीक है। तो आपका टारगेट रहेगा, अपनी कॉपी में लिखो, मेरी बुद्धि मत देखो, अपनी कॉपी में लिखो कि आपका टारगेट रहेगा 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक प्लांट किंगडम फिनिश कर। इज इट क्लियर? यो मैम, ठीक है। तो जब हम लोग अपना नया साल स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम नए साल पे पढ़ेंगे, राइट, तो जब हम 2024 का अपना पहला लेक्चर लेंगे, तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम रिवाइज ही करेंगे हमने पहले कितना 11th पढ़ लिया है साथ में। और जब मैं रिविजन करूंगी तो एक दिन में एक चैप्टर हो जाता है, 1 घंटे में एक चैप्टर का मतलब समझ रहे हो ना, कि तुम पढ़ के आओगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। That means कि तुम प्लांट किंगडम पूरा पढ़ के रखोगे। So, जब मैं आऊंगी, there will be a quick revision, और उसके बाद आपका first, मैंने बोला था ना, one week, one unit. तो एक हफ्ते में एक unit करेंगे ना हम, तो हम ऐसे ही एक हफ्ते में एक यूनिट करेंगे, तो हम ये वाली यूनिट कम्प्लीट कर देंगे, इससे भर के पेपर आता है, तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? यो मैम, आपका टारगेट है 25 से 30 तक प्लांट किंगडम करना, ठीक है। जब आप प्लांट किंगडम कर रहे होंगे और आपको और भी लेक्चर्स नहीं होंगे, यू विल गेट टाइम, तो अपना साथ साथ में बायोलॉजी की यूनिट प्रिपेयर करके चलना। बाकी अगर प्री बोर्ड है तो अपना बोर्ड्स का पढ़ो, प्री बोर्ड का पढ़ोगे उसमें भी तुम नीट का ही पढ़ रहे हो ना, 12th का हो गया, समझ आई क्या करना है आपको? यो मैम, सो विद दिस विजन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, किसी को थोड़ा सा भी फर्क पता है? हाँ बेटा बोल। मैम, ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और रेस्पिरेशन में हम मतलब ऑक्सीजन का यूज करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। वेरी गुड, शाबाश। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कोई बोलो। मैम, ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यस, ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तुम पूरा नहीं बोल रही, बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दैट इज ब्रीदिंग। मैंने सांस अंदर ली, मैंने छोड़ दी, तो एटमॉस्फेयर के साथ मैं अंदर सांस ले रही हूं और बाहर छोड़ रही हूं ना, तो दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ आवर। अगर मैं इसको बहुत काफी लंबी सी डेफिनेशन बन सकती है इसकी, इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है, टू जनरेट एनर्जी, ठीक है।
और एनर्जी कैसे जनरेट होती है? बाय ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और फूड को ब्रेकडाउन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम खाने को तोड़ पाए और उससे एनर्जी बना पाए। अभी ये चीज हम अभी समझ जाएंगे, ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है? तो अभी इसे समझते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग फिर क्या एक दूसरे से मिलते हैं? यस, ब्रीदिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? तो रेस्पिरेशन बड़ी टर्म होगी ना। यो यो मैम, चलो आगे। यो यो मैम, अगर हम बात करते हैं इस वाले की, ये मैंने रब किया था, रह कैसे गया? ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पेज की, फर्स्ट पेज निकाला आप लोगों ने, यो यो मैम, यहाँ पे डेफिनेशन देता है और आगे जाके अपनी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है, ठीक है? एनसीईआरटी रेस्पिरेशन को दो बार लिखता है और दो बार कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपस में। तो पढ़ते पढ़ते हम भी सीख जाएंगे एनसीईआरटी क्या कह रहा है, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है, ठीक है? रेस्पिरेशन इज समथिंग जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, ब्रीदिंग जो मैं बाहर के एटमोसफेयर से कर रही हूँ। तो अपने नाक पे हाथ करके मैं ब्रीदिंग को फील कर सकती हूँ, हवा का अंदर जाना और बाहर आना। रेस्पिरेशन अंदर चल रहा है जिसको मैं ऐसा फील नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो ये डेफिनेशन क्या देता है, देखिए कहता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओ टू। ये देखो मिली लाइन सबको, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओ टू फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो मेरे एटमोसफेयर में, अच्छा मेरा कैमरा ऑन है ना, तो मेरे एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है विद CO2 प्रोड्यूस इन द सेल, और मेरे सेल के अंदर जो CO2 बन रही है उसका अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो उसको मैं कहती हूँ ब्रीदिंग, ठीक है? तो मेरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और अंदर ऑक्सीजन जाएगी, दिस इज ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसी को वो एज ए रेस्पिरेशन भी ट्रीट कर रहा है, लेकिन दोनों टर्म में फर्क है, राइट? फर्स्ट वाले में ये ऐसे लिख रहा है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है, तुम ये स्टेटमेंट सही कहोगे क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, राइट? तो इसको अंडरलाइन करो। कर लिया, ठीक है? अब एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये हमारी बॉडी है ना, तो बॉडी में खाना कौन सी कैविटी से जाता है? बक्कल कैविटी से खाना अंदर जाता है, करेक्ट? खाना अंदर चला गया, खाना अंदर जाता है सबसे पहले कौन सी पाइप में? ओसोफेगस में होता है, इसोफेगस होता है यार, इसोफेगस। इसोफेगस से किसमें जाता है? स्टमक से किसमें जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम से एनएस में चला जाता है, ठीक है? दिस इज रेक्टम, दिस इज एनएस। वैसे तो हम इसलिए ब्रीदिंग पहले हम डाइजेशन का पार्ट करते हैं तब सेंस बनता है, पर अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप खाना खाते हो तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से मैक्सिमम खाना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेजर पार्ट जहां से आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मैं खाने के पार्टिकल बना रही हूँ जो छोटे छोटे निकल गए बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल से सप्लाई है, ठीक है? तो क्या करूं मैं यहाँ पे ब्लड वेसल बना रही हूँ मैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना ब्लड वेसल में जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है? तो मैं कह सकती हूँ ना कि फूड एंटर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? और डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना कहाँ गया? टूट के इंटू ब्लड। अब ब्लड से खाना कहाँ जाएगा? जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, मोनोमर यूनिट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उसका ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट है, तो ग्लूकोज और ब्लड से ट्रेवल होके कहाँ जाएगा? है? क्या बे, किस में जाएगा? ब्लड में ट्रेवल क्यों हो रहा है? वो सेल में जाएगा मैम। हाँ, एंटर इंटू सेल, सेल में जाएगा ना बेटा, तो ब्लड में ट्रेवल हो रहा है, तो ब्लड से ट्रेवल होकर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो सेल में जाएगा, यही होता है। और सेल में कैसे जाता है वो? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है, पैसिव होता है? पैसिव। क्वेश्चन लिख लो, ये बताना मुझे, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट में आता है। तो ये चला गया सेल के अंदर, ठीक है जी? ट्रांसफर हो गया इसका सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्यों गया? क्योंकि इसने क्या करना था सेल ने? इसने एनर्जी थी, इसने इसको ब्रेक करना था, ठीक है? तो इसने खाने को ब्रेक कर दिया, ठीक है? ब्रेक कर दिया तो इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और तोड़ दिया, राइट? अब इस सेल का साइटो, अगर आप ध्यान से देखो तो वो साइटोप्लाज्म है और ये सेल का न्यूक्लियस है, ये देख के पता चल रहा है ना तुम्हें?
यो मैम ठीक है, सेल को साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, दिस प्रोसेस जो हमारे हर एक सेल में होता है चाहे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, इस प्रोसेस को अपन क्या बुलाते हैं, एनारोबिक होता है ये, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हम सभी की बॉडी में होता है, बैक्टीरिया से लेकर हम सब तक, ये सबसे एंशियंट प्रोसेस है खाना टूटने का, तो इससे ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं होती। फिर जो सोतू सोतू मॉलिक्यूल होते हैं ये जाते हैं एक और मॉलिक्यूल के पास, एक और सेल ऑर्गेनेल के पास, जिसको शायद आप जानते भी होंगे, कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, गोल्जी ऐसे दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के खाने को लेगा और यहाँ से जनरेट कर देगा एटीपी। और हमें यही तो करना था, हम कहते हैं ना खाना खाने से एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी ऐसे मिलती है, सारा खाना तुम्हारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है तब एनर्जी मिलती है, थोड़ी सी ग्लाइकोलाइसिस से भी मिलती है। तो ये प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, समझ आई बात। अब ऑक्सीजन का कहाँ रोल था इसमें, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका रोल कहाँ होता है, कि ये जो छोटू सा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, ये एटीपी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनेगी मेरी बॉडी के हर एक सेल में, उसको ऑक्सीजन चाहिए तभी वो एटीपी बनाएगा। तो मैं क्यों सांस लेके ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ, ताकि मेरे सेल्स को ऑक्सीजन मिले और मेरी बॉडी में खाना तोड़ के एनर्जी बने। तो समझ में आया कि क्यों हम ब्रीदिंग करते हैं, प्रोसेस का लॉजिक क्या है। पूछेगा नहीं, लेकिन जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे उसके अंदर भी हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहां पे तुम इसको लिंक कर पाओगे कि हाँ यार ग्लाइकोलाइसिस, और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है जी, डन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज एग्जैक्टली होता कैसे है। देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, अब एक क्वेश्चन तो इस लाइन से बनता है, दूसरा क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन सकता है आपका इन द केस ऑफ एनिमल किंगडम, प्लांट में तो बोलेगा नहीं। प्लांट में कौन होता है रेस्पिरेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल, स्टोमेटा। हाँ, तो स्टोमेटा, और जो बाघ पे भी होता है, मदद करता है ब्रीदिंग में, दैट इज लेंटिसल्स। लेंटिसल्स पता है आपको? नो मैम, सुननी है। बोला, ऐसे देखते हैं, छोटे छोटे कट से लगे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, आपको बस नाम नहीं पता होगा कभी। ये कॉमन कट है, ये मैंने पेड़ों पे बहुत देखा है, छोटे छोटे लगे। यो यो मैम, किसी भी पेड़ को देखना, पास से बड़ा सा पेड़ है उसमें से कट लगे होंगे, ये लेंटिसल्स, इसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, आपको जनरली बाघ के ऊपर बहुत मिलेगा ये, स्पेशली ये वाला बहुत कॉमन है ये। ठीक है, तो लेंटिसल्स की मदद से वो ब्रीदिंग करते हैं, स्टोमेटा, मेनली स्टोमेटा, लेकिन लेंटिसल्स भी रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब हमारे केस में प्लांट ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, वो अपने अपना खुद का खुद जुगाड़ करता है इंडिविजुअली हर पार्ट। एनिमल के केस में थोड़ा डिफरेंट है, अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे इन द केस ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये वाला आप मेरे को बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क कैसे हम करेंगे क्लास में डिस्कस इसको, मैं तुम पे नहीं छोड़ूंगी भाई, तुम में से आधे बच्चे होमवर्क नहीं करते, करेंगे क्लास में डिस्कस, लेकिन चार्ट तुम बना के लाओगे। ठीक है, तो होमवर्क है कि तुम इसका चार्ट बना के आओ, मेक अ चार्ट। मेक अ चार्ट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पे लिखोगे फाइलम, ठीक है, और फाइलम के आगे वो कैसी रेस्पिरेशन करता है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, इतना सा चार्ट बनेगा ये, लेकिन अच्छा खासा चार्ट बन जाएगा ये। ठीक है, आप बना के आना, उसके बाद मैं बनाऊंगी और फिर हम कंपेयर करेंगे। ऑलराइट मैम, फाइलम में, हाँ बोलो मैम, फाइलम में कौन कौन से फाइलम जो हमने पीछे किया, उसमें से कि इसी में से ही होगा? नहीं नहीं पूरा बना के आएगी बेटा, जो पीछे करा है। यस मैम, फाइलम कर ले, अगर कोई एक्सेप्शन है तो एग्जांपल कर ले, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स अलग है, एग्जाम्पल लिख लेना अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो, और यहाँ पे मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इससे दो चीजें होंगी, एक आपका एनिमल किंगडम रिवाइज होगा, दूसरा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और तीसरा जब मैं क्लास में बताऊंगी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपने खुद भी बना रखा है ना, आप कंपेयर। एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से इससे रिवाइज हो जाएगा, मेक श्योर आप ये करके आओ। ओके, रेफरेंस टू देती हूँ, विद रेफरेंस टू एनिमल किंगडम बनाएंगे, लेकिन फिर साथ में अब करके आना भाई, जो होमवर्क नहीं करके आएगा मैं उसको मदद नहीं कर सकती ना, रिवीजन उसकी रह जाएगी, बाकी बच्चों की हो जाएगी, फिर तुमको दुख होगा तुम कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करने वाली है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, दिस इज इजी, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम बना देते।
नो, रेस्पिरेशन होता कहाँ से है? माउथ माउथ से? बेटा वैसे सांस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर लेगी सांस, जैसे नाक बंद होती है सर्दियों में तो मुंह से सांस लेते हैं, लेनी नहीं चाहिए। अब उसका रीजन हमें अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके नाक है, नाक में दो छेद है मैम, क्योंकि मुंह से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं कई बार। हाँ, दो रीजन है इसमें, एक तो डस्ट पार्टिकल है, करेक्ट, और भी बताती हूँ। और बाढ़ हवा ठंडी होती है जो हमारा नाक में जाती, तब वो थोड़ी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं उसको, सांस की गलना। तो साथ में बनाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए, आप भी बना लोगे। तो एक चैम्बर ऊपर से आ रहा है, एक चैम्बर नीचे का है, ठीक है, जो मैंने रेड से बनाया, दैट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से ऊपर वाली जो है दैट इज नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। देखो नीट, अब इतना तो बेवकूफ नहीं कि तुमसे पूछे, वो सिर्फ एयर का पैसेज पूछ सकता है, तब ये वर्ड मेंशन करेगा, नहीं तो वो नेजल कैविटी या चैम्बर तो नहीं पूछेगा। इतना तो उनको भी पता है कि तुमको इतना पता ही होगा। अब जहां पर आपकी बकल कैविटी और नेजल चैम्बर खुल रहा है, ये वाला रीजन जहाँ पे दोनों चीजें खुल रही है, इसको क्या बुलाते हैं? एपिग्लोटिस। फैरिंग्स की लैरिंग्स। फैरिंग्स पक्का? ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स ला ला ला, लैरिंग्स साउंड से रिलेटेड है, तो ये तो कॉमन पैसेज है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ ले इजी वे पर आ जाए तो इट इज अ कॉमन पैसेज, व्हाट इज फेरिंग्स अ कॉमन पैसेज फॉर, किसके लिए कॉमन पैसेज है, देख के बताओ। फूड के लिए और एयर के लिए। फूड प्लस एयर, यस करेक्ट। तुम्हारा खाना और एयर एक ही जगह से जाते हैं, फिर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जहां से उनके रास्ते अलग हो रहे हैं उसकी बात करने वाले हम लोग, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आगे हो जाएगा। अभी अगर हम पाइप को चलते चले जाए, इसको मैं ब्लू बनाती हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इनके रास्ते थोड़े से अलग हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। देखो, सो अगर आप यहाँ पे हाथ लगाते हो तो कैसा फील होता है? हार्ड हार्ड सा, खुरदुरा सा ना। अगर मैं बोल रही हूँ और मैं इसको पकड़ के बोलूँ तो आवाज में फर्क आ गया? अगर आप पीछे हाथ लगाते हो तो कैसा फील होता है? एग्जैक्टली इसी के पीछे मम्मी, इधर भी हार्ड है, है ना। और जो हमारी ईसोफेगस होती है वो तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मींस ईसोफेगस भी छूट गई है, राइट। तो व्हाट हैपन इज कि यहाँ पर रास्ते अलग हो जाते हैं, यहाँ से अलग करते हैं, ठीक है। पीछे वाली पाइप को हम आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, बस इसको बनाएंगे। तो जो पीछे पाइप चली गई है, दिस पाइप इज नोन एज ईसोफेगस। लेकिन मैंने पीछे छुआ तो ये तो नहीं थी, क्योंकि पीछे एक और पाइप पड़ी हुई है जो एक बोनी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको अपन बुलाते हैं बैकबोन। आप कह सकते हो ना ईसोफेगस बैकबोन और आगे वाली पाइप के बीच में, और इस आगे वाली पाइप को हम बुलाते हैं विंड पाइप। यो यो मैम, ट्रैक किया? तो अब याद करो, जब इंसेक्ट पड़ा था तब हमने बोला था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, तो उसमें ऐसा सा सिस्टम आना स्टार्ट हो जाता है पाइप पाइप वाला, तो ट्रैकिया मत नथिंग बट द पाइप्स, क्लियर? पैसेज में आपको ये एक छोटा सा फ्लैप दिखेगा, ढक्कन जैसा दिखेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो हम इसको साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है ना ये, साइड व्यू में हमने देख लिया कि ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो इसे बिकॉज पीछे निकल गई, विंड पाइप आगे की तरफ निकल गई। अब विंड पाइप का ये वाला रीजन है जो आपको पाइप की तरह दिख रहा है, इसको बड़ा करके बना दूं, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, अगले पेज पे इसको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। इतना बना लिया सबने? बना लिया? यो यो मैम। तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो ये किस तरीके का दिखता है? जो पाइप मैंने पीछे बनाई ना, वो कुछ इस तरीके से नीचे जाती है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। दिस इज अ फुल पाइप जो नीचे जा रही है, और ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है वो फ्लैप सा था, दिस इज नोन एज ग्लोटिस। ग्लोटिस इज व्हाट? जैसे कि फूड अंदर जाता है, जब भी जाए तो जाएगा तो ओपन होगा, जब भी फूड अंदर जाएगा तो ओपन होगा। बेटा ये विंड पाइप है जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। हाँ, विंड पाइप है। तो जब भी खाना खाओगे ना,
तो खाना खाने के टाइम पे ही ढक्कन लगता है, क्योंकि अगर इसमें खाना चला गया ना तो खाना लंग्स में चला जाएगा, तो लंग्स से बाहर निकल पाएगा। तो एपिग्लोटिस इज नथिंग बट ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, फ्लैप इज लाइक एक ढक्कन है जो लग जाता है आपकी विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, और विंड पाइप के नीचे का पार्ट जो आता है उसको हम ग्लोटिस बुलाते हैं, और उसके नीचे हम लोग विंड पाइप लिखा मैंने। तो व्हाट इज दिस ग्लोटिस, ये जो ब्लू कलर से करूं, दिस इज नोन एज आपका लैरिंग्स, व्हिच इज अ साउंड बॉक्स। हम कहते हैं ना साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है कि जब भी मैं बोलती हूँ हवा के इधर उधर जाने से साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसे बैठे बैठे साउंड तो नहीं प्रोड्यूस होगी ना, हवा तो चलनी चाहिए ना, तो हवा चलती है तो यहाँ पे हमारी बोन होती है इस तरफ पे, इस तरीके से बोन लगी होती है, तो जब भी हवा चलती है ये वाइब्रेट होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपकी ग्लोटिस में होती है जो कवर होता है एपिग्लोटिस के फ्लैप से, और नीचे हमारी विंड पाइप होती है। राइट, क्लियर है सबको? यो यो मैम, मैं कह सकती हूँ ड्यूरिंग स्वेलिंग स्वेलोइंग सॉरी खाना खाते के टाइम ये कैसी होगी, क्लोज। ठीक है, अगर ये ओपन होगी तो कैसा होगा, आपको होता है कभी कभार आप खाना खाते हो बोल रहे हो तो एकदम से खांसी आ जाती है? यस मैम। या मैं सडनली कुछ पी लूं और मुझे एकदम से बड़ी जोर से खांसी आती है जो कंट्रोल नहीं होती, तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं हुआ होता, तो उसको डर होता है कि आपने जो भी खाया है वो गलती से आपकी विंड पाइप में ना चला गया हो। तो जब आप जोर से खांसते हो ना तो आपकी विंड पाइप के अंदर कुछ चला भी गया होता है तो वो वापस बाहर निकल आता है। ठीक है, इसलिए आपको सडनली बहुत जोर से खांसी होती है, इसलिए कहते हैं कि खाते हुए बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोलते बोलते खाओगे तो वो गलती से विंड पाइप में जा सकता है, तो फिर आपको बहुत दूर से खांसी लग जाएगी। तो वो खांसी जो होती है ना उस टाइम पे वो आपका सेल्फ डिफेंस होता है, क्योंकि अगर विंड पाइप के अंदर खाना चला गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए जब भी आपको जोर से खांसी आती है, जोर से छींक आती है ना, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, चीजें आपकी लंग्स में ना जाए, समझ आए? नहीं तो बीच बीच में खुलती रहेगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, इसी रास्ते से हवा अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। मैं अभी बैठी हूँ तो सांस ले रही हूँ ना, है ना, तो ये खुलती रहेगी। बस खाना खाने में भी जब तुम खाना अंदर लोग है ना स्वेलो करोगे, मैंने स्वेलो बोला, जब तुम ऐसे करते हो तब उस टाइम पे ये बंद होती है, बाकी टाइम ये खुली रहती है, क्योंकि खाना खाते टाइम भी तुम सांस लेते हो ना। तो बस जब आप ऐसे स्वेलो करोगे उस मोमेंट में ये बंद होगी, बाकी टाइम ये खुली रहेगी। क्लियर? यो यो मैम, बहुत बढ़िया, आगे चलते। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना मैंने बोला उसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है या ये वाला अगर देखा जाए तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पैसेज पूछ लिया आपसे तो पैसेज में परेशानी हो जाएगी, तो पैसेज एक बार देख लोगे तो याद रहेगा, नहीं तो लैरिंग्स और फेरिंग्स में कंफ्यूजन रहती है। मुझे वो बहुत अच्छे से एक चीज पता है कि लैरिंग्स मीन्स ला 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 मीन्स सिंगिंग, तो वो साउंड बॉक्स से रिलेटेड एरिया है, फेरिंग्स उससे पहले आता है, मुझको ऐसे याद है। तो मैं लैरिंग्स फेरिंग्स में जब भी कंफ्यूज होती हूँ मैं लैरिंग्स से ला 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 बोल देती हूँ, मेरे को पता है कि ये नहीं हो सकता, कॉमन पैसेज फिर फेरिंग्स है। तो आपको जैसे याद होता है वैसे याद करो, इसलिए एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल सकती है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये जो छेद होते हैं बाहर के नाक के अपर लिप्स के ऊपर होते हैं, इसकी बात कर रहा है ये लेके जाते हैं हमें नेजल चैम्बर की तरफ। तो देखो जो एनसीईआरटी बना रही है उसको बना लेते हैं साथ साथ में, फिर इसमें और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। तो तुम भी वही बना लो अपनी एनसीईआरटी के ऊपर, बेहतर है, थ्रू द नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल चैम्बर में जाएगी, नेजल पैसेज के थ्रू ये पैसेज है सारा, नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, यो मैम, राइट, फेरिंग्स, और इसने यहाँ लिखा भी इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, हमने कवर कर लिया था, इसे अंडरलाइन कर लूंगी। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, तो ये लैरिंग्स में जाके खुलेगी, और लैरिंग्स के थ्रू कौन से रीजन में ओपन हो रही है, जो पर्टिकुलर एक साउंड बॉक्स है जिसमें खुल रही है, साउंड बॉक्स लैरिंग ग्लॉटिस, इसमें देख रही हूँ मैं, अभी आगे जाके खुलेगा हमारा ट्रैकिया में। लैरिंग्स और साउंड बॉक्स एक ही है ना मैम? लैरिंग्स और साउंड बॉक्स एक ही है, लेकिन ना कुछ टेक्स्ट में ऐसे यूज होता है, देख अभी मैं, मेरे को लगा था यही फंसेंगे, जैसे हम बात करते हैं ना कुछ पिक्चर्स में कैसे करते हैं ये, कि लैरिंग्स और साउंड बॉक्स को अलग अलग लिख देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर बाय चांस अलग आएगा तो तुम पहले लैरिंग्स लिखना फिर साउंड बॉक्स लिखना, वैसे एक ही चीज होता है, तो चाहे तो उसको ऐसे।
बस ऑर्डर गलत ना हो, ठीक है? तो साउंड बॉक्स के बाद वो जाकर खोलेगा ट्रेकिया में। अगर हम साउंड बॉक्स की बात कर लेंगे तो फिर साउंड बॉक्स में भी हमें बोल दूं एपिग्लॉटिस को कहाँ लिखूंगी ना, ऊपर या नीचे, तो इसलिए हम सीधा ट्रेकिया लिख रहे हैं। तो साउंड बॉक्स में हम कवर कर रहे हैं एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस, ओके। उसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है कि यार ये सही से नहीं आंसर, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। किसको कर सकते हैं हम, पहले एपिग्लॉटिस ही होगा जो ओपन होगा, उसके बाद ग्लॉटिस में जाएगा। तो एपिग्लॉटिस में तो एयर नहीं गई ना, तो हम इसको लिखे ना ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से चला गया ये ट्रेकिया में, राइट? नाउ लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये वाली लाइन इसने यहाँ लिखी है कि लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, मतलब लाला लाइन साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कवर कर दिया कि इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब आप खाना खाते हो, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो लैरिंग्स भी कार्टिलेजिनस है और इलास्टिक फ्लैप जो आपका ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, वो भी कार्टिलेजिनस है, तो कार्टिलेजन का है। देखो जो आप अभी लंग्स भी पढ़ोगे ना अंदर, अगर कोई बोनी रीजन आएगा वो कार्टिलेजिनस ही होगा, ठीक है? बहुत हार्ड बोन्स नहीं होती, थोड़ी सॉफ्ट बोन है, जैसे आपकी नोज की टिप, ऐसे वाला, ठीक है? क्लियर आपको? ट्रेकिया की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ट्रेकिया कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, तो यहाँ से ट्रेकिया बना दो सीधा। देखो ये कर लो, उसके बाद आपका हो गया, जो मेन आपको आज इंट्रो देनी थी उससे खत्म हो जाएगी। दिस इज ट्रेकिया, ट्रेकिया को तो आप छू भी सकते हो ना, है ना? दिस इज ट्रेकिया, यहाँ तक आप इसको पकड़ सकते हो। इसको हिंदी में गिच्ची भी कहते हैं, कहते ना इसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना ना, तो इमीडिएट डेथ हो जाती है। तो ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया एक्सटेंड हो रहा है। अब जहाँ पे ट्रेकिया जा रहा है, ये मेरा चेस्ट रीजन है, तो पीछे मेरी बैकबोन है ना चल रही, ट्रेकिया से जाता है और यहाँ से जाते 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 एक पॉइंट आता है जहाँ पर जाके ट्रेकिया बाइफर्केट कर जाता है। क्या करता है? बाइफर्केट। बाइफर्केट का मतलब होता है, किसी ने सांप की कभी वो देखी है जीभ? यस मैम। वी शेप, वी शेप होती है ना? हाँ, वेरी गुड। तो दिस इज नोन एज बाई, मतलब दो, टू, फर्केट मतलब एक तरह से टू, ठीक है? तो दो में डिवाइड हो गया, राइट? तो आपका जो ये ट्रेकिया था, ये ट्रेकिया दो छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है? तो ट्रेकिया दो पाइप में डिवाइड होते हैं, जिनको हम बुलाते हैं ब्रोंकी, ओके? क्लियर? दो लंग्स में जाना था, इसलिए ये बाइफर्केट करता है, समझ आया? एक दो लंग्स में कैसे जाता है यार, सोचने की बात है। तो उसने कहा ठीक है, लंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग बाइफर्केट कर जाते हैं। तो ये रहा एक लंग, ठीक है, हमारे पास दूसरा लंग, बोला? तो हमारे दो लंग बन गए। बोलो बेटा। आज की क्लास में हमने क्या किया? अब हम रेस्पिरेशन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। अब एनसीईआरटी में जब भी पिक्चर देखोगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे सामने बुक खुली है ना, ये तुम्हारे सामने स्क्रीन चल रही है, तो तुम्हारा लेफ्ट साइड यही है, ये होगा तुम्हारा लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में याद रखना कि डायग्राम को ऐसे नहीं बनाया जाता, ये इमेजिन करते हैं आपके सामने इंसान ऐसे खड़ा, तो उल्टा कर लो खुद को, दैट मीन दिस इज द लेफ्ट साइड, ये हमेशा लेफ्ट होगा और वो हमेशा राइट, समझ गई? दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग, राइट? और लेफ्ट साइड हमारा हार्ट भी होता है, तो यहाँ पर कहीं पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होगा, क्लियर? चलो कोई ना, अब हम बाइफर्केशन की बात करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो ब्रोंकी जो टूटी है, अब ये क्या करेगी, अगर आप देखो ये वाली ब्रोंकी आपको आगे जाके भी टूटती मिलेगी, तो अब मैं थोड़ा सा अलग कलर से बना रही हूँ, ठीक है? तो ये आगे जाके भी टूट गई यार, अलग अलग हिस्सों में, अरे बहुत सारे हिस्सों में टूटती चली जा रही है, तो अब मैं बाइफर्केशन वर्ड तो यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत टूट रही है, ठीक है? लेकिन मेरे को पता आगे भी टूटी है, तो अब मैं क्या वर्ड यूज करूँ, तो मैं कहूंगी जो पहली बार टूटी थी ना वो ब्रोंकी नहीं थी, वो थी हमारी प्राइमरी ब्रोंकी, फिर जो दूसरी बार टूटी दैट इज, इसको दोबारा तोड़ो, दोबारा तोड़ोगे थोड़ी और पतली बना दो, ग्रीन से तोड़ते हैं, टर्शरी ब्रोंकी, अब इसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकी, इतना क्लियर?
कितना बना? टाइम मिनट बहुत है। डन। यूएम इस डायग्राम को देख के मेरा ट्राई किया, प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस, टर्शियरी ब्रोंकाइटिस में फर्क क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाइटिस हाँ, अगर आप देखो कि जैसे जैसे टूटती जा रही है वैसे वैसे डायामीटर छोटा होता जा रहा है ना, ब्रॉड है डायामीटर बिग, डिक्रीजेस। हाँ लार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं डायामीटर डिक्रीजिंग। तो फिर मैम जैसे कोई अस्थमा वगैरह प्रॉब्लम होती है तो उसमें प्राइमरी ब्रोंकियाई मतलब कि उसका डायमीटर कम होता है कि जितनी भी ब्रोंकियाई होती है वो सब सिकुड़ जाती हैं। धीरे धीरे सब सिकुड़ती जाएगी, जितना इन्फेक्शन होगा उस पर डिपेंड करता है, यो यो मैम इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारी ही सिकुड़ जाएंगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सर्वाइव यो करना, मैम ठीक है? तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, डायग्राम यो पे दोबारा मैम आते हैं, अभी देखते हैं हम लेबल कर पा रहे हैं नहीं। एपिग्लॉटिस जो फ्लैप है, कैसा फ्लैप होता है, किसका बना होता है? ये कार्टिलेजिनस स्किन होता है और कार्टिलेजिनस होता है। यो यो मैम गुड। फिर आता है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स कहते हैं इसको। साउंड साउंड वो फिर उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पर जाके क्या हुआ है इस पॉइंट पे, दिस इज अ बाइफरकेट बाइफरकेट। अब यहाँ पे बनता है 4 मार्क का कि ये जहाँ बाइफरकेट हुआ है तो बताओ पीछे वर्टिबल कॉलम कौन सी है। ठीक है, तो ये चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन को हम कहते हैं थोरेसिक रीजन, तो वर्टिबल कॉलम भी थोरेसिक वाला है। ठीक है, तो अगर अब तुमको किसी को मुक्का मारना हो उसे चेस्ट में, तो मतलब कितनी उंगलियां बंद होंगी? चार एक दो तीन चार पांच, मेरे पास 5 है। फिंगर्स हो रहे हैं सब छोड़, ये बता ये कौन सा मुक्का है बे? ये कैसा मुक्का है? तुम्हारा छोटा भाई बहन है क्या? तुम तो पिटती होगी, तुम्हारी तो टेक्निक गलत है। मेरे पास 5 है, मैं 5 से मिला के मारूंगी, ऐसे जवाब देगी ना तो तुझे तो जरूर मारूंगी। तो क्वेश्चन है, जहां पर आपका ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उस पॉइंट पे बैक साइड पे कौन सी वर्टिबल कॉलम होती है? तो वो कहते हैं कौन सी वर्टिबल कॉलम चल रही है आपकी, थोरेसिक 5। ठीक तो थोरेसिक 5 वर्टिबल कॉलम पे आपका जो होता है ट्रेकिया वो बाइफरकेट होता है। क्लियर? मैम ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ब्रोंकस कह रहे हैं ना, ब्रोंकस को ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, परेशान मत होना। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर अगर देखते जाओगे तो आपको डायमीटर कम होता दिख रहा है, राइट? तो छोटे छोटे डायमीटर कम होता चला जाएगा। इतना क्लियर सबको? ठीक मैम है, थोड़ा सा टाइम है, अगर बताऊंगी तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो यार बताई दे तू। अब इसके बाद और पतली पाइप कर दो, मैं यहाँ पतली बनाऊंगी तो ये टूटने जैसी लगेगी, तो तोड़ मत देना। ठीक है, तो यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है तो मैं अभी हाफ में नहीं खींचना चाहती, चलो यही रुकते हैं। ठीक है, इसके इसके कहानी थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? यो यो मैम तो हम ट्रैकिया के बाद अब बता सकते हैं, ट्रैकिया के बाद मैं क्या बताऊं? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकियल, ब्रोंकियल सेकेंडरी ब्रोंकियल टर्शियरी ब्रोंकियल, शाबाश, गुड। यहाँ तक हम पहुंच गए है ना, और हम इतनी चीज जान सकते हैं कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ क्या डिक्रीज हो रहा है, मैटर डिक्रीजेस, राइट? गुड। हाँ अब पूछो डाउट, बोलो क्या डाउट? आई थिंक डाउट था नहीं? तमन्ना पूछ हाँ तमन्ना पूछ बेटा। पूछती थी जो ट्रैकिया में जो रिंग्स लाइक वो होती हैं वो सपोर्ट करने के लिए होती हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए होती है मैम। सपोर्ट करने के लिए होती है ट्रैकिया, नहीं तो कलेप्स हो जाएगी। कभी स्ट्रॉ से ऐसे कुछ पिया है?
यस मैम, वो मैम से हम स्टार्टिंग में पीते वो तो ठीक है, मेंटेन रहता है स्ट्रक्चर पर। तुमने सस्ती वाली ट्रोस से पिया हो तो कभी ऐसे खींचते हो, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे पतली नहीं हो जाती, उसे पेप्सी खींचते हो। यो मैम, तुम्हारी ट्रैकिया भी वैसी है, अगर सांस ऊपर नीचे जाएगी तो वो ऐसे पिचक सकती है, पिचक की तो काम खराब हो गया ना कभी कभार। अब तुम रोज स्ट्रोल पिचक जाती है, हर बार फूक मारने पे खुलती नहीं है वो, तो किसी दिन ट्रैकिया नहीं खुली तो हम तो निकल जाएंगे। तो उसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेजरस रिंग लगे हैं कि भाई तू कहीं मत जाइए, ठीक है, इसलिए वो सॉलिड वाली स्ट्रो है तो जल्दी से जाती नहीं है, ठीक यो है। चलो ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर ये वाला, फर्स्ट वाला ट्राई यस मैम, करके देखो। नहीं नहीं कर पाओगे, इसमें डायफ्राम है, मैं तो जिक्र भी नहीं करा डायफ्राम का भी, अभी तो इंट्रोडक्शन ही है ना, मुश्किल है कर पाओगे। अच्छा चलो ये ट्राई करो, ये मजेदार बात है, मजे आएंगे करके, तुक्का मारना। अच्छा ऑलराइट। कभी देखा जब बेबी पैदा होता है तो उसको रुलाते हैं, वो यो जैसे घर पे बच्चा आ जाता है, न्यूबॉर्न बच्चा होता है 40 दिनों से नीचे होता है, तो तुमने देखा होगा एटलीस्ट घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसको रोने दो, यो है ना, यो मैम, यो अगर ना यो रोने थोड़ा सा चुंडी मार के जानबूझ के रुलवाते हैं अच्छे से, गला फाड़ के पूरा, है ना, राइट। यस यो उसकी इम्पोर्टेंस, यो बच्चा रोना क्यों चाहिए पैदा होते ही, जब तक बच्चा मदर के वूम में होता है, जब तक बच्चा या बच्ची, बेटा यो माइक बंद कर ले, बच्चा या बच्ची मदर के वूम में होते हैं तो क्या होता है, उसको लंग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो प्लेसेंटा से ही, प्लेसेंटा के पास अपना भेज देता है वेस्ट मटेरियल और वहां से सारे के सारा ऑक्सीजन ले लेता है। तो उसको जब हम भी वूम के अंदर थे हमारे लंग्स को काम करने की जरूरत नहीं थी, बने थे पड़े थे, सिकुड़े हुए थे, जैसे बैलून होता है ना फुलाओ तो कैसे दिखता है वो, वैसे से पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर पैदा होते हैं, अब गैसेस एक्सचेंज एयर के साथ होने हैं, ठीक है, तो जैसे ही बेबी बाहर पैदा होता है ना उसके साथ ही फूल जाती है, उसके लंग्स खुल जाते हैं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो हमेशा अंदर रहती है, ठीक है। अब वो जो एयर अंदर गई है ना वो कभी बाहर नहीं निकलती, तो वो एयर जब अंदर गई थी मेरी मेरे लंग्स में भी अभी तक है, तुम्हारे पास भी है, वो मरने के बाद निकलेगी, उससे पहले हम सबकी छाती में भरी रहेगी। तो वो जो एयर है हमारे लंग्स में जो हमेशा रहती है, मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज से फोर्सफुली सांस बाहर निकाल दूं या अंदर खींच लूं, वो एयर को कुछ नहीं होता, वो एयर हमारे लंग्स को स्ट्रक्चर देती है, अगर वो एयर ना हो तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो वो एयर हमें पैदा होते मिल जाती है और वो एयर हमें भरे इसलिए हमें रुलाया जाता है, क्योंकि रोने में जब एफर्ट करेंगे तभी वो बहुत अच्छे से भरती है, ठीक है। तो उस एयर को हम बुलाते हैं जिसका कोई यूज नहीं करते हम, ठीक है, उसका गैसेस एक्सचेंज में यूज नहीं है, वो हमारे लंग्स को खोल के रखती है, तो वो ऐसे ही वेली पड़ी है लेकिन जरूरी है, उसको हम बुलाते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है। तो लंग्स इज मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, ठीक है, जो लंग को कभी कोलैप्स नहीं होने देते और हमेशा एयर भरी रहती है लंग्स के अंदर, उस रेल को हम बुलाते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यू है, ऐसे ही पड़ा है, समझी, लेकिन बहुत जरूरी है यो इसके बिना, यो तो इसलिए बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके लंग्स, उसकी छाती खुल पाए। उन्होंने सुना होगा जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं छाती खुल जानी चाहिए बच्चे की, वो यही कह रहे होते हैं कि मैम, लंग्स खुलने चाहिए, राइट, तो इसलिए उसको रोने देना चाहिए।